हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। मूवी चल रही पीछे। सो आज करवा चौथ के पहले का जो दिन है वो है बुधवार है। आज बुधवार वेडनेसडे आज। सो आज मैंने सोचा, फाइनली डिसाइड ही कर दिया कि कल जैसे कि करवा चौथ है तो हम सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मैं पिछले 2-3 साल से ब्लॉगिंग कर रही हूँ बट मैंने कभी भी करवा चौथ सेलिब्रेट नहीं किया। मीन्स मेरे लाइफ में, मतलब मेरी जब से शादी हुई है तब से कभी करवा चौथ नहीं सेलिब्रेट किया। तो मैंने सोचा कि चले करवा चौथ जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, बिकॉज अब में से बहुत सारे लेडीज़ ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि बहुत सारे लेडीज़ ने कहा दीदी प्लीज़ 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 करवा चौथ सेलिब्रेट करो। इंस्टाग्राम पे भी मैं कुछ दिनों पहले आई थी तो वहाँ पे भी बताया था, और मैंने ऑलमोस्ट यूट्यूब पे देख लिया है कि क्या कैसे करना है, और देखते हैं क्या मतलब हो सकता है। देखिए मैं तो फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे तो बहुत डर लग रहा है, क्योंकि अगर आपको कुछ सब कुछ पता होता है तो वो बात अलग होती है, बट मुझे कुछ भी नहीं पता है। और मैंने देखा कि सांस की थाली होती है तो वो तो बताने में नहीं कर सकती, क्योंकि आप सभी को पता है मुझे सांस भी नहीं है। तो जितना हो सकता है हम उतना करवा चौथ अच्छा सेलिब्रेशन करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है तो मैं पूरी पूजा विधि जो है गनो मोबाइल दे दिला, बंद करा, चलो जाए चलो मार जाए चलो। तो करवा चौथ जो है वो जितना अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करना है तो उतना मैं करूँगी, ट्राई करूँगी, और मतलब यूट्यूब की वीडियो के थ्रू मैं करूँगी। और मैंने एक वीडियो देखा है, मुझे उनकी जो रीति रिवाज है बहुत अच्छे लगे, और मैंने सोचा कि उसी रीति रिवाज से मैं करवा चौथ जो है वो सेलिब्रेट करूँगी। तो कुछ चीज़ें जो है वो मुझे लानी पड़ेंगी, और आज का ये रेड कलर का टॉप कैसा लग रहा है प्लीज़ मुझे बताना। और ये मम्मी ने मुझे दिया था तो मैंने सोचा चलो पहन पहले। पीछे ब्लैक कलर के ब्लैक और 2-3 भी दिए हैं, तो मैंने सोचा चलो यार आज तो पहन लेते हैं, डेली जीन्स पैंट और बाहर भी जाना है। सो ये अभी देखती हूँ क्या क्या लाना है। मुझे ऐसा लगता है फल लाने पड़ेंगे, बुक नहीं मेरे पास तो बुक लानी पड़ेगी, और देखती हूँ चूड़ा वगैरह। साड़ी मेरे पास है बट फिर भी देखते हैं अगर मुझे कुछ पसंद आएगा। मेरा मूड बहुत अलग है, मुझे कुछ भी पसंद आ सकता है, मैं भी नहीं बता सकती कि मुझे क्या पसंद आ सकता है। तो छन्नी जो होती है वो छन्नी वो मेरे पास ऑलरेडी है, और जैसे कि डेकोरेटिव वाली छन्नी जो है मुझे नहीं पता कि यहाँ पे कहाँ पे मिलती है, और क्योंकि हम यहाँ पे महाराष्ट्र में, सो यहाँ पे दूर दूर तक कोई भी मतलब हमारे पड़ोसी पड़ोसी नहीं सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि महाराष्ट्र में। तो चलिए बच्चे में भी आएगा, और अभी शाम के 7 बज चुके हैं तो मुझे जल्दी से जाके सामान जो है वो लाना पड़ेगा, और स्वामी श्री गणेश जी परेशान करिए मुझे। ये देखो ये गनू मोबाइल दे दो, चलो बच्चों का स्टडी लेना है, कल हिंदी का स्टडी है, बस एक बार लास्ट वाली रिवीजन जो है वो लेनी है, और फिर मैं थोड़ी सी फ्री हो जाऊंगी। फिर परसों 2 दिन इतने डिफिकल्ट पेपर नहीं है उनके, तो चलो बेबी चलो। क्या है वो है? ब्लू है। अच्छा पर्पल हाँ ग्रे ओके रेड हाँ वाइट ब्लैक रेड ब्लू येलो ऑरेंज पिंक। वाव एक्सीलेंट। अरे बेल्ट गनू। तो स्वामी श्री मैडम आ रही है। गनू चल ना, ए चल नी चलने वरता, और मुझे कुछ पैसे की जरूरत है तो वो तो हस्बैंड के पास से ही लेने पड़ेंगे, है ना? तो एक्चुअली इतने कुछ पैसे नहीं है इस पर्स में, थोड़ा सा ही पैसा है। आप बराबर वही पैसे उठा के लेके आओ जिसमें पैसे नहीं है, पैसे वाले बैग बड़ी थे। मेरे पास पैसे होते नहीं है, मैंने कितनी बार बोला है पैसे चाहिए मुझे पैसे।
सूटकेस में रहते हैं सब। सूटकेस में कुछ नहीं है, सूटकेस में वगैरह कुछ नहीं रहते। ए ये कर बेबी गन। ओ ओ गनो ब ब ब ब गनो। ओ लिपस्टिक जान बुझ के किसी की बेबी 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 हो आप मेरे प्यारे प्यारे बेबी हो आप। चलो तो चलो पैसे दे दो ना, ये देखो कितना टाइम लग रहा है, कितने देने क्या देने। अभी अभी देखो ऐसे बीवी हो तुम्हारी। अच्छा बस उतने ही दिए, 1100 है क्या? हाँ उतने ही दिए। कितने कंजूस है आपके जीजा जी, देखो भी इसमें साड़ी तो बिल्कुल भी नहीं आने, घंटा आ रहा साड़ी ला रहे यार, साड़ी वो कपड़ पड़ा हुआ है उसको खाली कर दे। देखिए ऐसे है, आप बोल दो बहुत अच्छे है जीजा जी, बहुत अच्छे है, इतने से पैसे दिए। कब आए थे? कल। तो चलिए चलते हैं, और मार्केट में बहुत ज़्यादा भीड़ लग रही है। एक बच्चा एक बेबी यहाँ पे रह दो, एक बेबी यहाँ पे रहना है, दोनों नहीं आने यार, दोनों को लेके जाना मतलब बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। बेबी स्वामी बेबी आप यहाँ पे रह लेना, मैं और गनू दीदी जाते हैं। बेबी पता है वहाँ पे शॉपिंग करने जाए, वो शॉपिंग होती नहीं है इनके पास ही, मतलब ये ध्यान देना पड़ता है, ये लेना होता तो मतलब वो ऊपर नीचे करती रहती, डर लगता है। और मेन चीज़ है ना, हमारे यहाँ पे जो भी सारे शॉप है ना वो हाईवे पे ही है, तो डर लगता है।
मेरी अलमोस्ट शॉपिंग जो है वो हो रही है और गनू दीदी देखिए और मैं साड़ी वगैरह देख रही थी बट यहाँ पे मुझे इतनी साड़ी पसंद नहीं आ रही थी। ये बीबी ये देखो गनू बीबी परेशान कर रहा है। गनू बीबी बोल रही है कि उसको मेहंदी निकालनी है रेड कलर की मेहंदी। तू घर पे है ना? घर पे है बेबी। मेहंदी का कौन है घर पे? गणेश अभी ब्लैकमेल कर रहे हो मुझे, मुझे घर पे जाना है। और ये मेरे घर के पास का इलाका है, ये देखिए पूरे शॉप ही शॉप है यहाँ पे। और इस गली से राइट अगर मुड़ जाए ना तो मेरा घर ही आ जाता है। सो चलिए चलते हैं। देखते स्वामी से कम लेके नहीं गए स्वामी बनाना देते कि बेबी चल दुकान तो चल बेबी चल। हाय स्वामी ये देखो क्या लाया क्या लाया। दो दो मेरे तिल बनाना के पनीर की सब्जी जो नॉर्मल है वही सब्जी हमने मंगवाई है। कुछ प्लान नहीं था कि होटल में आए इधर पानी नहीं है ना स्वामी सिर्फ पानी पीते खाते टाइम ही बच्चों को पानी चाहिए होता है। जब भी हम खाना स्टार्ट करते हैं तभी सारी चीज़ें बच्चों को चाहिए होती है। तो जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, मैंने पहले भी बोला था मैं भी शायद कि क्या क्या लिया है। और लेकिन मैं फर्स्ट टाइम करने करवा देता हूँ, मुझे नहीं पता थोड़ा बहुत गलती हो जाएगा, मुझे थोड़ी बहुत हो जाएगी तो प्लीज़ थोड़ा सा संभाल लीजिए।
मैंने एकदम पक्के मूड में एकदम बेबी वाले मूड में एकदम बेबी वाले। तो सबसे पहले मीशो ऐप जो है गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या अदरवाइज लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, तो आप वहाँ पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे ढेर सारे वैरायटीज है, साड़ीज है, कुर्तीज है, तो आपको जो चाहे वो कैटेगरी जो है वो चूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ड्रेसेस की कैटेगरी जो है वो चूज करती हूँ। यहाँ पे शेयर नाउ करना है, फेसबुक पे शेयर कर सकते हैं आप। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा जरिया है, व्हाट्सएप के जरिए आप अपने फ्रेंड्स को ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, और उसके ऊपर अपना मार्जिन रखिएगा और अर्निंग कीजिएगा। के अभी 12 बज चुके हैं। अभी आप सोचोगे कि इतने लेट कहाँ से आई हूँ, तो बहुत जल्दी आए थे हम, 10:30 बजे आए थे खाना खा के। और मैं ना मेरे ससुर जी से बातें कर रही थी, जैसे कि बहुत सारे लेडीज़ नहीं आते ना, तो मैं उनको बता देना चाहती हूँ परसों का व्लॉग जो था दशहरे का। तो जैसे कि हम उनके घर पे गए थे, तो वो मेरे ससुर जी है, मीन्स नितेश के चाचा चाची हैं, वो पास में रहते, तो उनके घर में गए थे। तो मैं उनके साथ, मेरे ससुर जी के साथ बहुत टाइम तक मैं बातें करती रहती हूँ। तो जस्ट अभी मुझे, मैं मतलब आज मौका मिला है कि मैं बातें मतलब आपके साथ शेयर करूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मेरा व्लॉग जो है वो 12 के पहले ही ख़त्म हो जाता है ना, तो इस वजह से मतलब बताने का। सुसु आ गई, हाँ गुड गर्ल। सो इस वजह से मैं उनके साथ बातें कर रही थी। बहुत अच्छा लगता है मुझे अपने ससुर जी के साथ बातें करते हुए। नितेश आके कब के सो गए, बच्चे भी यहाँ पे हैं। सो मतलब मैं और वो इतनी बातें करते हैं, मैं और मेरे ससुर जी, और समय से गणेश आई, मम्मी चलो ना ऊपर, मम्मी चलो ना ऊपर। समय से गणेश मेरे से सोती नहीं है। और मेरे ससुर जी मुझे बता रहे थे कि मतलब मैं उनको पूछ रही थी ना, उनके पापा का मतलब सारी इन्फॉर्मेशन मैं पूछ रही थी कि उनके पापा क्या करते थे क्या नहीं, क्योंकि मुझे बताने वाला तो कोई है नहीं है। तो इस वजह से मैं सारी चीज़ें मेरे नितेश के मतलब जो चाचा जी हैं, तो उनसे बातें करती रहती हूँ। तो वो सब कुछ बता रहे थे कि ऐसा था वैसा था पुराने ज़माने के, और मैं उनको वो पूछ रही थी आज, पता नहीं कब मतलब ऐसे पूछ रही कि आपके ज़माने में लाइट थी क्या, क्योंकि वो बहुत पुराने ज़माने के, मतलब मेरे ससुर जी की अभी एज जो होंगी 78 में भी 79 ऐसे कुछ डेट होगी। तो मैं सब कुछ उनको वही, और मेरे जो ससुर जी हैं यानी कि नितेश के जो चाचा जी है ना, वो इतने फिट है, उनको कुछ भी बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं तो कुछ कुछ भी नहीं है, मतलब इतने फिट एंड फाइन है वो, उनको किसी चीज़ की बुरी आदत भी नहीं है कुछ है। और वो टीचर थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब अभी याद आ गया कि हमारा जो बातें करने का ये था ना, तो वो सुसु आ गई, हाँ जा, तो वो शूट करना चाहिए था, बट पता नहीं मैं इतनी बातों में खो जाती हूँ। मैं अगर किसी से बातें करती रहती ना बहुत टाइम तक मैं बातें करती रहती हूँ, आपने भी देखा होगा परसों भी मैंने आप सभी को रुलाया, और मुझे सच में आई एम सो सॉरी, मैंने बहुत लोगों को रुलाया, बहुत सारी लेडीज़ को रुलाया, मम्मी की याद आ रही थी। तो पता नहीं यार उस दिन क्या हो गया था, मतलब एकदम सडनली आंसू आ गए थे मेरे, तो रोना ही शुरू हो जाते मेरे मम्मी से, मतलब मैं अपनी मम्मी से इतनी ज़्यादा क्लोज हूँ, इतनी क्लोज हूँ ना, हो जाता है। और कल अभी मुझे करवा चौथ का
पूरा प्रिपरेशन करना है, क्या है क्या नहीं। यार मेरे को तो बहुत डर लग रहा है। एंड प्लीज़ बिल्कुल निगेटिव मत कमेंट करना, मैं तो मतलब फर्स्ट टाइम कर रही हूँ। तो चलिए अभी बाय, और मैंने करवा चौथ करने का डिसाइड कर लिया है, और अच्छी बात है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो चलिए बाय, गुड नाइट।